बॉयज अपनी ड्यूक में लग रहा है 180 का टायर। उससे पहले आपको कुछ दिखाना, भाई यहाँ निकाल चुका है भैया ने अपना रिम एंड ये शायद उसमें जाएगा मशीन में, उसके बाद हमारा 180 का ये वाला टायर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर डीएनए राइडर। सो गाइस आज अपनी लूसीफर में एक मस्त चीज होने वाली है, जिससे कि अपनी ड्यूक 390 लूसीफर द किंग ऑफ हेल सिर्फ ओनली वन इन उत्तराखंड हो जाएगी। मतलब कि ऑल दो जो ये लुक्स मैंने बनाई है, सुपर ड्यूक का लोगो, वैलेंटिनो का रोसी एंड आगे से जो छोटी छोटी विंगलेट्स है एंड आप देख सकते हो, एक बार DRLs ऑन करके दिखाता हूँ, एक मिनट बस, ये देख सकते हो ये छोटी छोटी दो विंगलेट्स है, क्या लुक आ रहा है एकदम वो लग रही है डेविल। एंड इसका नाम हमने लूसीफर रखा है जो नए हैं। लूसीफर का मतलब होता है कि किंग ऑफ हेल, हेल का मतलब जानते हो एंड लूसीफर का मतलब डेविल। तो बेसिकली इसमें आज लगने वाला है, बकवास के बिना बताया जाए, पीछे का टायर नया लगने वाला है। आप देख सकते हो कि कितना घिस चुका है एंड ये स्लिप बहुत मार रहा है। बीच राइड संडे राइड पे गया था तो बहुत ज़्यादा स्लिप मार रहा था एंड दिक्कत हो रही थी वगैरह वगैरह लीन मारने में। तो आज इसमें हम डालने वाले 180 सेक्शन टायर, मतलब कि बहुत चौड़ा Z900 का टायर डलने वाला है इसमें, 180 सेक्शन का और बहुत चौड़ा टायर लगने वाला है, जिससे कि इसका लुक जो बहुत एनहांस होगा। मेरे बाद हम शायद शाम को लगाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी है, टायर लेके आ जाएंगे उसके बाद हम इसको लगाएंगे शाम के टाइम। तो टायर लेने तो अभी थोड़ी देर में जाऊंगा मैं, इसको लेके नहीं जाऊंगा आज, स्कूटी लेके जाऊंगा। थोड़ा सा आपको ब्लॉग स्कूटी में देखने को मिल जाएगा एंड घर आके शाम को इसको निकालेंगे एंड टायर लगा के थोड़ा सा सिनेमैटिक लेके शाम को। सो गाइस निकलने की तैयारी एंड अभी हम प्लेजी में टायर लेने जाना है हमें घंटाघर, उसके बाद मैं शाम को लगाऊंगा टायर अपने लोकल एरिया लाजपुर से। तो चलो चला जाए, बहुत मज़ा आने वाली है, सुबह को उठाना है ताकि वो टायर उठा सके, स्कूटी में लाना भी पॉसिबल है। 180 टायर देखो, आप कार का देख सकते हो ना, ये कार का 205 कुछ टायर है एंड 180 ड्यूक का होने वाला है आज, तो मैं खुश भी हूँ, बहुत मज़ा आने वाली है। टायर के बारे में देखो मैं आपको बता देता हूँ, टायर का तो मैं नाम भूल गया, एक बार आपको नाम पढ़ के बता देता हूँ, मेरे फ़ोन में होगा उसका नाम यार, इसका नाम है मिशलिन पायलट स्ट्रीट 4 180/55 R17, ठीक है ये इसका नाम है एंड टायर को हम लेने जा रहे हैं बेसिकली। सो भैया CMP का है, टायर मेरे है पेट में एंड इसे ले आना बड़ा बड़ा मुश्किल, आगे रख रहा हूँ तो हैंडल मुड़ नहीं रहा फिर। एंड सीन अभी का ये है कि सुब्बू का मुझे कॉल तो आया था, मतलब मैंने उसको बुलाया तो वो पाँच मिनट कर रहा था, थोड़ी देर हो गई यार, मैं निकल गया वहाँ से फिर, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है सच में, लिटरली आज कहीं जाना ही जाना है मुझे। टायर ये मैंने शाम को लगाना है आप लोगों को, मैंने पहले ही बता दिया, सुबह को भी कॉल करके बता दूंगा भाई लेट हो रही थी ये वो सो, एंड मैंने ले लिया। कितना वाइड है भाई, एकदम ब्रांड न्यू 180/55, पता नहीं क्या क्या है नाम, मैं नाम ही भूल गया। चलो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर DNA राइडर। सो गाइस ये है अपनी किंग ऑफ हेल एंड आज हम अपनी लूसीफर के लिए लाए, सुबह में पकड़े ऐसे करके बहुत भारी है। तो ये है टायर 180 सेक्शन में, इसका नाम फिर भूल गया इसका नाम था, मैंने फ़ोन में नोट कर रखा है, गाइस आपको फ़ोन में इसका नाम दिखाता हूँ, ये 180 सेक्शन टायर है एंड इसका नाम है मिचलिन पायलट स्ट्रीट 4 180/55। आप देख सकते हो नीचे मिचलिन लिखा है एंड ये आपका, एक मिनट रोटेट हो जाएगा फ़ोन नीचे, नटा दे भारी बहुत है यार ये देख सकते हो आप 180 लिखा है गाइस। तो आज अपनी लूसीफर में लगने वाला है 180 सेक्शन का टायर, पीछे वाला टायर आप देख सकते हो कितना घिस चुका है। मैं आप टायर देखो, टायर चेक करो, क्वालिटी चेक करो, 15,000 का टायर है एंड आप देख सकते हो 15,000 का टायर, ब्रांड न्यू टायर है, ब्रांड न्यू। अभी हम जा रहे हैं लाजपुर की तरफ, सुबह से पीछे पकड़ेगा, सुबह भी आ रखा है इसमें, सुबह को मिलाना भूल गया आप लोगों से, कुछ बोलना चाहोगे सुबह भाई? लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। तो इसमें हम लगने वाला टायर वॉशिंग भी करा देंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है एंड ये देख करो यार, ये चेक करो यार। सुबह मैं वहाँ जा रहा हूँ, सुबह मेरे बेचारा मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ चेक कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ यार, आगे पीछे होता जा रहा है गाइस यहाँ पर। बट ये टायर यार, ये टायर एकदम न्यू है, सुबह उसको दबा के देखो, सॉफ्ट कंपाउंड दिखा दे इसका, देख सकते हो गाइस कितना सॉफ्ट है, एकदम प्यार, हल्की ताकत भी नहीं लगा रहे, वो ऐसे घुस जा रहा अंदर, बहुत सॉफ्ट कंपाउंड है। ऐसे इस टायर की ज़्यादा लाइफ होती नहीं है, ये टायर ऑलमोस्ट 9-10 हज़ार किलोमीटर चलते हैं उसके बाद घिस जाते हैं। रियर टायर भी है ऊपर से, नॉर्मल अपोलो अल्फा H1 का टायर का भी यही लाइफ होती है, अगर आप लगाते हो तो 8-9 हज़ार किलोमीटर चलती है उसके बाद बंद हो जाती है। तो बेसिकली आप चलो चलते हैं सीधा GoPro में शिफ्ट करते हैं, अगर GoPro ही है मतलब माउंट में मिलता है आपको सीधा हेलमेट में, फिर लाटपुर की तरफ चलते हैं फिर इसको लगाते हैं। तो गाइस हम चाल रहे ड्यूक में टायर लगाने, कहाँ लगाऊं
बॉयज अपनी ड्यूक में लग रहा है 180 का टायर। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था, ये चेक करो, ये 240 का टायर है, ये हायाबूसा का है शायद, पता नहीं किसका है, पता नहीं क्रूजिंग वाइज। पर ड्यूक का लुक देखो कैसा कुछ आ रहा है, सुबह भी यहाँ पर खड़ा हो रखा है, यहाँ पर टायर लगाया जा रहा है 180 का। ये तो पूरा ही घिस गया ना भैया टायर, अरे बर्न आउट मारा था इसे थोड़ी देर पहले ना मैंने, तो और ज़्यादा ही घिस गया। बॉयज यहाँ निकाल चुका है भैया ने अपना रिम, एंड ये शायद उसमें जाएगा मशीन में, फिर ये निकलेगा टायर, फिर एकदम अच्छे से एडजस्टमेंट होगा ताकि जब मैं ड्यूक को चलाऊँ तो कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हमारा 180 का ये वाला टायर लूसीफर में लगेगा, तो बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत बल्कि टायर लगने वाला है। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही अपडेट दे दिया, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, तो बस इसमें लगेगा ये वाला टायर। चलो तो बॉयज यहाँ मेरे टायर की शायद हवा निकल रही है, एंड ये मशीन निकाल रही है, तो यहाँ हमारे प्यारे से भैया हमारी गाड़ी का टायर निकालते हुए, एंड आई डोंट नो भैया ये मशीन करती क्या है वैसे, हा? ये वाली अच्छा ये वाली भी सेम है। ओ आवाज़ देखो गाइस इसकी, अब भयंकर आवाज़ आ रही है। वैसे मैं टायर 150 का ऐसा लग रहा, कितना कितना छोटा लग रहा हूँ। तो गाइस अपने ड्यूक में चल लगते हुए, ये रास्ता पुराना टायर जो कि निकल चुका है, एंड भैया नया टायर लगवा रहे हैं। पहले जो हमारा नया टायर है उसमें वो कुछ लगेगा, इस चीज़ को क्या बोलते हैं भैया, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अच्छा ऑयल का, कि अच्छे से फिट हो जाए ना, तो ये इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा रहे ताकि एकदम अच्छे से इसमें फिट हो जाए। तो गाइस ये वाला पुराना टायर है, एंड ये मम्मी को चाहिए था, ये भी कुछ अच्छा खासी हल्का नहीं है, बहुत हैवी है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। ये रहा हमारा अपोलो अल्फा, वो तो पिचक गया पूरा, बहुत गंदी हालत हो रही है इसकी, एंड इसमें नया टायर लग रहा है हमारा, भाई क्या लग रहा है अभी से भी मस्त लग रहा है, बस ये बार लग जाए फिर उसके बाद आपको लीन मार के दिखाऊंगा, बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पर थोड़ा ब्लॉग। तो यहाँ पर आ चुका है अपना 180 का टायर, एंड इसमें अब लगेगा, इसके बाद मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ आगे जाके कि क्या लगता है, थोड़ा सा लीन मार के देखेंगे इसमें, बस गिरूँ गिरूँ ना ऑप्शन पर बहुत बल्कि लग रहा है, सुबह बल्कि नहीं लग रहा, पहले बोले चौड़ा लग रहा पहले के मामले, चौड़ा बस देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे आगे जाके, अभी लग रहा है 180 का टायर इसमें। सो बॉयज़ यहाँ पर लग चुका अपना पूरा टायर, एंड बहुत प्यारा लग रहा है, लुक तो बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है, पीछे से बहुत ज़्यादा बल्कि लग रहा है, ओल्ड टायर वहाँ पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ लग रहा है, पर ये चेक करो आप लोग बॉयज़, ये चेक करें कितना बल्कि लग रहा है यार, वो रील बना रहा है तू, तो बस मज़ा आ गया, एंड टायर बहुत इतना चौड़ा है, मेरा हाथ है पूरा हाथ आ भी नहीं पा रहा इसमें, खैर मेरा हाथ काला हो गया पूरा देखो। सो भैया अभी सीन अभी का ये है, हम आ चुके थे घर, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, टायर हमारा लग चुका था, उसके बाद हम गए थे वॉशिंग कराने, एंड जो वहाँ पर गर्मी लगी उसके आगे मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो ये अपनी खड़ी है किंग ऑफ हेल, मैंने इसको अच्छे से धुला धुला के रख दिया है, टायर अपना लग चुका है, एंड शाम को छोटी सी राइड में देखेगा कि टायर कैसा होता है, तो वो मैं ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, वो मैं छोटी सी राइड में एक बार चला के देख लूँगा कि कैसा लगता है, तो मैं वो कवर हटा के दिखाता हूँ, उसका पीछे का टायर है, तो ये चेक करें आप लोग, ये देख रहे हो कितना चौड़ा है, मतलब मेरा हाथ है ये, मेरे पूरे हाथ जितना है, ये हाथ से भी कम है, अगर मैं एंड से ले जाऊँ ना यहाँ से जहाँ से लीन मारते हो आप लोग, तो ये बस यहीं तक आता है, एंड जो पुराना टायर था हम उसका लीन लगभग यहाँ तक मारते थे, बट इसमें इतना गैप और बच जाता है। बेसिकली मैं आपको सीन बता देता हूँ, जब आप मोटा टायर लगाते हैं ना गाइस, तो आपका लीन और एंगल और परफेक्ट बढ़ता है, मतलब जब गाड़ी झुकाओगे घुटना बाहर निकाल के, तो आपका एंगल बड़ा मस्त आएगा, एंड आप गाड़ी को मतलब लीन और अच्छे से कर पाओगे, सिंपल भाषा में बोला जाए। इसके ऊपर मैं डेडिकेट अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आई नो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसके अगर कमेंट सेक्शन में जाओ मुझे बताओ, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि फ़ायदा और बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या होता है बड़ा टायर लगाने से किसी भी गाड़ी में, मतलब किसी भी बाइक में बड़ा टायर लगाने से डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज क्या होता है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा,
अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर से मुझे बता देना। तो बस अभी के लिए इतना ही, एंड ब्लॉग एंड करते हैं क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मुझे पता नहीं कितने का है कि ब्लॉग कितना लंबा है कितना ही है। तो बस अब एंड करेंगे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ, बाय बाय। दिस इज योर DNA राइडर साइनिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना। 12K फैमिली होने वाली है, अराउंड 150 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 150 सब्सक्राइबर्स आप लोग कर दोगे तो एक ही दिन में हो जाएगा। वैसे करने को चाहो तो आप एक दिन में कर सकते हो, बट करते नहीं हो यार, कर दो यार। चलो बाय। I'm